हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में आपको टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड का Q1 FY21 का रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज के फ्राइडे के रेट्स हैं और कल इसका रिजल्ट आया था मार्केट आवर्स के बाद में। और आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं लगभग 11 बजे के करीब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि ये मार्केट के खुलते साथ ही इसमें 5% का सर्किट लगा और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आया है और अभी लगभग 745 के करीब ट्रेड कर रहा है। 3% से ज़्यादा ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और इसकी वजह है इसके अच्छे रिजल्ट्स। तो आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है शेयर दोबारा से और लगता है ये फिर से 5% का सर्किट ले लेगा। फ्रेंड्स, हम किसी भी रिजल्ट्स को डिस्कस करने के पहले एक बार नज़र डालते हैं एक साल के इसके प्राइस मूवमेंट पर। तो हम यहाँ पर एक नज़र डालेंगे इसके एक साल के प्राइस मूवमेंट पर और हम ये देखना चाहेंगे कि एक साल पहले जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था वो आज प्रॉफिट में है या नुकसान में है। तो इसके लिए हम चलते हैं एक साल पहले के प्राइस को देखने। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, एक साल पहले आज ही के दिन इसका जो प्राइस था, हाई प्राइस इसने बनाया था वो था 494 रुपीज, जबकि आज इसने हाई बनाया है 759.75। तो ये एक 54% का इंक्रीज है उन लोगों के पोर्टफोलियो में जिन्होंने इसको एक साल तक रखा। तो ये एक पहचान होती है अच्छे कंपनी की। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हमने पिछले रिजल्ट्स में इसके बारे में रिकमेंड किया था और हमने ये बताया था, साथ में हमने ये भी बताया था कि कंपनी कुछ सिंगापुर से लेकर के और जापान और इंडिया तक एक नई सी केबल डाल रही है और ये अपना डाटा को एनहांस कर रहे हैं। तो इसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी भी आगे भी आने वाले समय में हो सकती है और इसीलिए ये जो शेयर है ये अभी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये थे इसके अच्छे फंडामेंटल्स हैं। और हम एक नज़र डालते हैं इसके छोटे से टेक्निकल एनालिसिस पर, ताकि उन लोगों को वो हेल्पफुल हो जो लोग इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें एंटर करना चाहते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक से बढ़ना इसने चालू किया है और ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया था वो अच्छा आया था लास्ट ईयर का और मार्च 2020 का इसका एनुअल रिजल्ट अच्छा आया था और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा आया था, इसलिए कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही इनकी जो गाइडेंस है, मैनेजमेंट की गाइडेंस, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही प्रॉफिटेबल लग रही है आगे के आने वाले समय में, इस वजह से ये शेयर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लेकिन फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका अल्फा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अभी फिलहाल आप रुकिएगा। और जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है इसका 591 और 200 डेज मूविंग एवरेज है 428। तो ये शेयर को आप खरीद सकते हैं थोड़ा सा नीचे आने पर और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जब ये आता है यदि, तो आप उसको एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये 200 डेज मूविंग एवरेज को तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन हाँ 50 डेज मूविंग एवरेज को ये अगर ब्रेक करता है तो उसके आसपास आप इसको खरीद सकते हैं। रही बात RSI की, RSI लगभग 70 के करीब प्लेस है, ऊपर की ओर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इसमें अभी थोड़ी बहुत तेजी और भी आ सकती है। और यहाँ पर स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी यही कहानी कह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है, लेकिन ये अब 80 के करीब पहुंच चुका है, बल्कि 86.93 पर आ चुका है इसका स्टॉकिस्टिक मोमेंटम, तो ये अपनी एक अपर लिमिट पर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर अभी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बन रहा है इस प्राइस पर लेने में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये MACD का चार्ट है, MACD में ऑलमोस्ट ये फ्लैट यहाँ पर नज़र आ रहा है और अभी फिलहाल ये ओवरबॉट की कंडीशन में नहीं आया है, लेकिन ये ओवरबॉट की कंडीशन जैसा ही यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये ऊपर की ओर चल रहा है और यहाँ पर फ्लैट है। तो ये था इसका एक छोटा सा एनालिसिस फ्रेंड्स। और अब हम डालते हैं एक नज़र इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर, और जो कि हम
तीन पैरामीटर्स के थ्रू लेंगे, ये है हमारे रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम बारी बारी से इन तीनों पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका रेवेन्यू। लास्ट ईयर Q1 FY20 में 4,168.62 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, जो कि इस साल ये थोड़ी सी बढ़ गई है और ये हो गई है 4,402.94, और ये जो इंक्रीज है वो है 5.6% का। तो 5.6% के साथ में इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाई है, और ये इनका जो डाटा बिजनेस है वो उसमें 10% ईयर ऑन ईयर की इंक्रीज आया है। इसके अलावा इनके सारे सेगमेंट्स हैं उसमें बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहा है। हालांकि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसका जो इंडिया एंटरप्राइज बिजनेस है वो लगभग 6.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस इनका वो 8.3% ईयर ऑन ईयर डेवलप किया है, ग्रो किया है। और इनका जो मैनेजमेंट का मानना है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड है, डिमांड इनकी बनी रहेगी, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है। तो इस वजह से इनकी जो रेवेन्यू है और प्रॉफिटेबिलिटी है दोनों ही बड़े हैं, और यही रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं इसके शेयर प्राइसेस में, ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही चलता चला जा रहा है। और अब हम डालते हैं एक नज़र इसके एबिटा की ओर। एबिटा लास्ट ईयर Q1 FY20 में था 852.7 करोड़, जो कि बढ़ करके 1042 करोड़ हो गया है, और इसमें एक जबरदस्त उछाल आया है 26.2% का। और इसका जो रीजन है वो ये है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 23.7% रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। और इनका जो डाटा का एबिटा है वो 975 करोड़ है, और जो कि 32.4% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इनका जो मार्जिन एक्सपेंशन है ये 460 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, जो कि इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी के इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी वजह से ये ऐसा पॉसिबल हो पाया है। तो ये था इनका एबिटा, बहुत ही शानदार एबिटा। और अब हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट इनका लास्ट ईयर था 77 करोड़, जो कि बढ़ करके 258 करोड़ हो गया है, इसमें 236% का इंक्रीज हुआ है, जबरदस्त इंक्रीज हुआ है 236% का। और इनका जो पेट मार्जिन है वो 5.9% हो गया है, और इन्होंने जो कैपेक्स किया है लास्ट क्वार्टर में वो था 372 करोड़, जबकि लास्ट ईयर इन्होंने ये 372 की जगह 342 करोड़ किया था, तो 30 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने कैपेक्स भी इस क्वार्टर में किया है। तो ये था इनका एक एनालिसिस क्वार्टरली रिजल्ट का, लेकिन अभी आप जाइए नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या ये रिजल्ट मार्केट को पसंद आए हैं या नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू की। रेवेन्यू 5.6% बढ़ी है, और इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एबिटा 26% से ज़्यादा बढ़ा है, और इसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और प्रॉफिट का तो कहना ही क्या है, ये 236% बढ़ा है, और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसने बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। अब एक नज़र डालते हैं हम इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कल जब इसका रिजल्ट आना था उसके पहले इसमें एक अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई। वैसे तो उसमें ट्रेडिंग लगभग 50,000 से लेकर 60,000 तक के शेयर्स की होती है, लेकिन कल इसमें 268,000 की यानी 268,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। और कल इसने 759 हाई बनाया था, और आज इसने उसको हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया 759.75। तो ये था इसका ट्रेडिंग पैटर्न, लगातार मजबूत होता हुआ, लगातार लोग उसमें इंटरेस्ट नज़र लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक नज़र हम डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, 75% टाटा ग्रुप के पास में है, केवल 3.9% ही प्लेज है, और FII के पास लगभग 17.5% का स्टेक है, और जो अदर DIIs हैं उनके पास लगभग 2.87 की शेयर होल्डिंग है। तो एक अच्छा खासा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और हम डालते हैं एक नज़र इसके मार्केट कैप और दूसरे वैल्यूएशन पर। तो मार्केट कैप लगभग 22,000 करोड़ का है, इनका PE रेशो है 103
जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये अल्फा बीन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है मार्केट के अपेक्षा, और इनकी जो बुक वैल्यू है वो है 288 रुपीज़, और अभी जो इनकी प्राइस चल रही है प्राइस टू बुक है 2.63। तो ये था इनका बेसिक वैल्यूएशन से रिलेटेड चीज़ें, और इनकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज है वो लगभग 43% के करीब हैं। तो फ्रेंड्स, ये टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का रिजल्ट का एनालिसिस आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।